कि जो आदमकद प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने ये आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनके साथ गवर्नर भी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे, और साथ ही साथ दूसरे लोग थे। तो लगातार इस तरह से चल रहा है, और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहाँ पर, जो यहाँ पर किस तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया है, कैसे यहाँ पे लाइट काउंट चलता है, और ये जो दूसरे योद्धा है। दिवाकर, ये जो स्थान है ये बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि ये वही पुराना जेल है जो बेरकार, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम दिन गुजारे थे। जी, ये वही बैरक है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का एक जो हम कह सकते हैं कि योगदान, और किस तरीके से आदिवासी समाज जो देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उसका अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी, मात्र 25 साल वो जीवित रहे थे, और 25 साल उन्होंने उल गुलान को एक नया आयाम दिया था। उसके जरिए अंग्रेजों का जो यहाँ पर राज था, उसको उन्होंने हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजने लगे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो लगातार जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आदिवासी समाज में जो उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, एक सबसे बड़ी बात कि इन्हें भगवान के रूप में भी क्यों पूजा जाता है, कि इन्होंने जो आदिवासी समाज, जो जनजातीय समाज था, उसमें जो नशापान की प्रथा थी, उसके खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया, उन लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि इसके जरिए कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो तरह तरह की चीजों उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया, और अंग्रेजी समाज का जो योगदान, अंग्रेजों के खिलाफ जो हम कह सकते हैं जनजातीय समाज की जो लड़ाई है, वो कई वर्षों पहले से शुरू हो गई थी। अगर हम सबसे पहले यहाँ के जो आंदोलन की हम बात करें, तो संथाल विद्रोह, जिसे कि संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वो संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार, इनके खिलाफ किया गया था। और ये जो एक तरीके से 1855, जो हम लोग कहते हैं 1857 का जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई थी, उसके पहले ये संथाल में एक विद्रोह हुआ था, और हुल विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय समाज के, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो वीर बुद्धू भगत हो, फूलो जानो हो, नीलांबर पीताम्बर हो, जतरा टाना भगत हो, तमाम तरह के जो ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, वैसे योद्धाओं को एक